तो भाई फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज लोगों के लिए आप बहुत ही एक यूनिक वीलॉग लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं अपनी एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे ढूंढा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे पास फ्रेंड्स बेसिकली ये एक पल्सर 220 है, 2011 मॉडल है मेरे पास ये, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी ना रनिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, और क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी है तो गाड़ी चलती है ज़्यादातर, इसको चलाने के लिए काफ़ी कम टाइम मतलब मिलता है, या कभी कभी जैसे फ्रेंड्स के साथ जाना हो या कहीं छोटी मोटी राइड्स पे जाना हो तो ही ये यूज़ होती है, नहीं तो ये यहाँ पे खड़ी रहती है घर में। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर के पास भी है, डिस्कवर है 135, उसमें भी बैटरी जैसे यूज़ होती है 12 वोल्ट की। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी बैटरी अब ये लगाओ, ये सिमिलर टाइम पे ही दोनों बाइक की हुई है, वो 2012 मॉडल है, 2011 है, वो रेगुलर यूज़ होती है क्योंकि वो ऑफिस लेके जाता है, तो थोड़ी बहुत ही रोज़ 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो डेली यूज़ होती है, बट ये नहीं होती फ्रेंड्स। तो इसकी ना बैटरी से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं फ्रेंड्स इसकी 4 बैटरीज बदल चुका हूँ तक, ठीक है, ये 3rd बैटरी भी इसकी ख़राब हुई है अब, बट जो उसकी है फ्रेंड्स डिस्कवर की 2nd बैटरी भी अभी तक चल रही है मेरे पास, मतलब ये लगा लो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स में उसकी 2 बैटरियाँ ही मतलब एक जो लग के आई थी साथ में और एक जो हमने इंस्टॉल करवाई वो बैटरी यूज़ हो रही है, तो वो अभी तक ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। प्लस फ्रेंड्स उसके अंदर किक भी आती है पल्सर 220 के साथ। फ्रेंड्स ये भी एक फ्लॉ है, वैसे स्टार्टिंग में तो हम स्पोर्ट्स बाइक करके इसको बाय कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किक नहीं है तो क्या हो गया, ठीक है, बट बाद में जब बैटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब बाइक पुरानी हो जाती है तो फिर हमें किक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली ये मेरी 3rd बैटरी है जो 3 ईयर्स में, आप ये लगाओ 2.5 ईयर्स में ख़राब हो गई, और जब भी फ्रेंड्स मैं डीलर के पास लेके जाता हूँ तो डीलर कहता है आपको पैसे कट के मिलेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ये वो, उनके 100 रुपया पे बिल दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो वो फ्रेंड्स मैं अब इन झंझटों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मुझे अब 4th बैटरी इस बाइक में लगानी पड़ रही है और मेरी रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये अमेज़न की बैटरी डाली थी, ये 9 एम्पावर की बैटरी होती है इसके अंदर, ठीक है, पल्सर 220 में 9 एम्पावर की बैटरी आती है, बाकी बाइक्स में थोड़ी छोटी आती है, हमारे पास आई थिंक 5 एम्पावर की बैटरी आती है या 4 एम्पावर की बैटरी आती है। तो इसको फ्रेंड्स मैंने पूरा जैसे बैटरी वाटर वगैरह ऊपर से भी सारा काट के इसके सेल्स में डाल के सारा एक्सपेरिमेंट करके, ये चार्जर से भी इसको चार्ज करके, मेरे पास ये 12 वोल्ट का चार्जर है गाड़ी की और बाइक की बैटरी चार्ज करने वाला, तो उससे मैंने ये चीज़ करके देख लिया है, बट ये नहीं वर्क करी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या सोचा कि मैं अब इसको जो बैटरी को लिथियम आयन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, तो मैंने काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ी बैटरी नहीं बनाई, मैंने एक नॉर्मल सी बैटरी बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो बैटरी जो मैंने लिथियम आयन सेल से बनाई है, आप देख सकते हैं ये सारी सोल्डरिंग वगैरह मैंने इस पर करी है, ये BMS भी इंस्टॉल करा है 40 एम्पेयर का, ठीक है। ये इस चीज़ के ऊपर फ्रेंड्स आप लोगों को YouTube पे और भी ज़्यादा कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि मेरी नॉलेज भी वहीं से ही आई है, ठीक है, मेरे को कोई स्पेशल मतलब इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी लिथियम सेल्स की, बट हमें सोल्डरिंग वगैरह की ये जो काम है ये सारे मुझे आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें ये 15 सेल्स हैं, ये 15 सेल है फ्रेंड्स, और ये 1200 mAh का एक सेल है, 18650 सेल है, आप देख सकते हैं ये 1200 mAh का एक सेल है, और 1200 mAh का जो एक सेल है वो आप ये लगाओ कि 5 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तो 5 × 1200 हमारे पास ये 6000 एम्पेयर हो गया, ठीक है, 6000 mAh हो गया, और फिर ये हमारे पास 3 आप ये लगा लो सीरीज में बने हुए हैं, तो सीरीज़ में इसको अगर हम देखेंगे तो ये 4.2 वोल्ट का एक सेल होता है हमारे पास। ये देखिए फ्रेंड सिंपल 4.2 एम्पेयर का एक सेल होता है, तो × 3 करेंगे अगर हम उसे तो यहाँ पर 12.6 वोल्ट बनता है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज होता 3.7 वोल्ट पे भी आ जाता है तब भी हमारे पास रफली 11 वोल्ट के आसपास बनती है, और अगर हम 1200 mAh का एक सेल है और × 5 अगर हम इंस्टॉल करें तो ये 6 एम्पेयर की एक बैटरी बन जाती है, 6000 mAh की एक बैटरी बन जाती है, क्योंकि सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पेयर प्लस नहीं होते, वोल्टेज प्लस होती है, और अगर हम पैरेलल में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एम्पेयर प्लस होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से ये मेरे पास 12 वोल्ट की 6 एम्पेयर की जो है बैटरी तैयार हो गई, ठीक है। इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने ये 40 एम्पेयर का BMS लगाया है, बट ये एक्चुअल में 40 एम्पेयर नहीं होता, ठीक है, ये 40 एम्पेयर का जो करंट मतलब ना ही है, मतलब इसको हम मतलब क्या कह सकते हैं, लोड दे सकते हैं ना ही हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। मैं BMS फ्रेंड्स आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे 100 एम्पेयर के या 120 एम्पेयर के जो हमारे पास एम्पेयर के जो BMS आते हैं वो इंस्टॉल करिए, जिसमें ये नेगेटिव वोल्ट जो है वो कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, वो फीचर होता है। तो इसका चार्जिंग वाला सर्किट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, उस वाले BMS का भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इस वाले का भी, तो आप वो वाला इंस्टॉल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हूँ तो फिर मुझे इसी से ही अभी काम चलाना पड़ रहा है। प्लस फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये सर्किट जो होता है वो हमारा बैलेंसर होता है, तो मैं सिर्फ इसका बैलेंसर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो वोल्ट बैटरी इसको क्या करता है, जब वो 4.2 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज हो जाती है अगर बैटरीज, जैसे हम लॉन्ग राइड पर गए हैं कहीं गए तो 4.2 वोल्ट से अगर वो ज़्यादा चार्ज हो जाती हैं तो लिथियम आयन सेल जो है वो ख़राब होने का डर रहता है, मतलब आप ये लगाओ कि हॉट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये बैलेंस कर देता है, ये उसको डिस्चार्ज कर देता है ईच सेल को, मतलब ये फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज करके 4.2 वोल्ट से नीचे ले आएगा।
ठीक है। और ये जो चार्जिंग वाला सर्किट होता है वो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पे एक खुद के लिए भी 12 वोल्ट की सॉकेट लगाई है कि कभी अगर ये ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाए तो मैं इसको नॉर्मल घर में चार्जर से चार्ज कर लूँ बैटरी को, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज उससे प्रोटेक्ट करता है ये। तो वो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं इससे आउटपुट जो है इनपुट जो है वो डायरेक्ट ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आउटपुट और इनपुट के लिए मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे जो कनेक्टर्स मतलब वायर्स निकालनी है जिसको मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और फिर इसको मैं डायरेक्टली बैटरी में इंस्टॉल कर दूँगा। इस चीज़ के ऊपर फ्रेंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पे मिली, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली, बट किसी ने भी बाइक के ऊपर बेसिकली किसी ने भी मतलब वो लोग आप लगाओ ईवीज़ के लिए कर रहे हैं, बहुत चीज़ों और के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअल में बाइक के लिए नहीं बनाई। एक इंडियन पर्सन था जिसकी वीडियो मुझे मिली, उसने बाइक के लिए इस बैटरी को तैयार करा, ठीक है। उसने सेल्स कम यूज़ करे इससे भी क्योंकि उसने स्प्लेंडर बाइक के लिए बैटरी बनाई थी, ठीक है। स्प्लेंडर की बैटरी बहुत छोटी होती है, आप लोगों को मालूम होगा, उसकी एम्पेयर रेटिंग मुझे नहीं मालूम कितनी होती है, बट उसने भी फ्रेंड्स बाइक में इंस्टॉल करके सेल्फ लगा के मुझे नहीं दिखाया, ठीक है। उसने भी बाइक में जैसे बैटरी को इंस्टॉल करके सेल्फ करके नहीं दिखाया मुझे उसमें, ठीक है। तो मैं प्रॉपर आप लोगों को बाइक में इंस्टॉल करके और सेल्फ लगा के कि हाँ कितने सेल्फ ले रही है बाइक जो है, कितनी इसकी जो है कंजम्पशन है, और इवन अभी ये इसकी स्टॉक बैटरी जो 9 एम्पेयर से उससे कम है, 6 एम्पेयर पे है ये, ठीक है। तो वो हम सब देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि बैटरीज पर जब भी आप काम करें ना तो आप 60 वॉट का सोल्डर यूज़ करिए, नॉर्मल जो 25 वॉट और 35 वॉट वाला जो वो मोबाइल सोल्डर्स होते हैं वो काम नहीं करेंगे। और वायर फ्रेंड्स जैसे मैंने कनेक्शन करे हैं वो ये कॉपर की हैवल्स की वायर है, आपको मैं दिखाता हूँ, 1.5 mm की फ्रेंड्स ये वायर है मेरे पास, इससे मैंने इसके ऊपर सारे कनेक्शन कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें अगर आपको विजिबल हो तो 1.5 mm की प्योर कॉपर की वायर है ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे, उससे ये सारे के सारे जो आप कनेक्शंस भी देख सकते हैं जैसे ज़िगज़ैग सीरीज जैसे बनाई है, इन सब चीज़ों के ऊपर फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लोगों ने बनाया हुआ है, इवन इंडियंस ने भी और फॉरनर्स ने भी, ठीक है। बाकी आप जिंक प्लेट से भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं, स्टैंड्स वगैरह भी आते हैं इसके जो जिसमें ये फिट हो जाते हैं अच्छे से, बट मैंने फ्रेंड्स ऐसे ही बनाया इसको क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल है। और फिर मैं इसको क्या करूँगा प्रॉपरली एक बारी वेदर प्रूफ करके पैक कर दूँगा, वही आपको पता है टेप रोल वगैरह से, ब्लैक टेप एंड सेलो टेप वगैरह से रोल करके इसको पैक करके बाइक में इंस्टॉल कर दूँगा। बाकी बीच में कार्ड जरूर इंसर्ट करना फ्रेंड्स इसके, क्योंकि अगर इनकी ये खुद की शेल अगर डिटीरियोरेट होगी तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे कार्डबोर्ड कार्ड्स वगैरह इंसर्ट करके फिर इसे पैक करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप इसको चला के दिखाता हूँ आपको। मैं फ्रेंड्स एक बार आप लोगों को इसका करंट भी टेस्ट कराता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास ये मल्टीमीटर है यहाँ पर, ये ऑन है, और इसका मैंने ये अगर दूसरा वाला पॉइंट कनेक्ट करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 12.20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये अभी फुली चार्ज नहीं है, 12.20 मींस ये अभी हमारे पास यहाँ पे 12.60 पे ये पूरी चार्ज होती है, तो उसके लिए मुझे इसे और टॉपअप करना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना भी हमारे लिए सफिशिएंट है बाइक के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं प्राइसिंग आप लोगों को बताना भूल गया, इसमें प्राइसिंग ऐसा है फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लॉकडाउन से पहले बाय करा था तो मुझे अराउंड 200 का BMS मिल गया था ये वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ा था, अब शायद अमेजोन पे मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा तो ये महंगा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, 400-500 अराउंड है। और फ्रेंड्स मेरे पास जो ये एक सेल है ये 1200 mAh का मुझे 50 का मिला है, तो आप ये लगाइए कि 15 सेल्स हैं हमारे पास ये, तो 750 के मेरे ये सेल्स हो गए, तो 750 का ये हो गया, 200 का वो हो गया, 950 वो लगा लो अब, और 50-60 की आप मान लो कि और चीज़ें इसमें लगी हैं वायर होगी जैसे हमारे पास 1.5 mm की, तो 1000 में फ्रेंड्स ये बैटरी तैयार होगी। और ये बैटरी अगर फ्रेंड्स हम लोग बाय करने जाते हैं तो इसकी वैसे कॉस्टिंग होती है हमारे पास 1800-1700-1900 अराउंड होती है, ठीक है। और ये अगर आप पुरानी देखे खरीदते हैं तो 1600-1700 की बैटरी मिलती है, तो उसके काउंटर आप देख लो कि ये हाफ प्राइस में मेरी बैटरी तैयार होगी, ठीक है। और इवन अगर मैं इसको पूरा 9 amp बनाना चाहूँ तो मुझे फिर इसके अंदर 8 सेल्स की मतलब सीरीज़ बनानी पड़ेगी, तो भी आप ये लगाओ कि मुझे 24 सेल्स लगाने पड़ेंगे, तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि 450 का और मतलब 1500 की मेरी ये पूरी 9.6 एम्पायर की मेरी जो है बैटरी बन जाएगी, 10 एम्पायर की आप लगा लो रफली ये बैटरी बन जाएगी, ठीक है, बिना पुरानी वाली दिए हैं कुछ दिए। और लिथियम आयन का फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है फ़ायदा, एक तो ये खड़े खड़े डिस्चार्ज नहीं होती जो मुझे चाहिए सबसे पहले फीचर, ठीक है। और इसका वेट इससे आधे से भी आधा है, ठीक है, वेट भी कम है, आधे से भी ज़्यादा वेट है इसका। प्लस फ्रेंड्स इसके अंदर हमारे पास लाइफ जो है इस बैटरी से 2-3 टाइम्स ज़्यादा है, ये 800 साइकिल्स क्लेम करे जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो कि 7-8 ईयर्स ये बैटरी कहीं नहीं जाती, ठीक है। और ये वाली बैटरी की आपको लाइफ पता है 3-4 ईयर्स ही होती है अगर इसको नॉर्मल यूज़ भी करें अगर हम लोग, ठीक है, हद से हद 4.5 साल 4 साल ये बैटरी निकालती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और मुझे तो ये लगता है कि ये कुछ कंपनीज़ वगैरह जो है ये कुछ हमारे कंज्यूमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है इस चीज़ के अंदर ना, कि लिथियम आयन को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस चीज़ के अंदर। बाकी फ्रेंड्स आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अगर आप लोग के पास और नॉलेज है इससे रिलेटेड तो मैं बहुत हैप्पी हूँगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करेंगे ये बातें, क्योंकि इस बारे में मेरी नॉलेज जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम लोग अभी भी लेड एसिड बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं जबकि हाफ प्राइस में हमारे पास ये बैटरीज तैयार हो रही हैं और इनकी लाइफ इनसे भी डबल है। कार्स की भी इवन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर मैं 100 सेल्स ले आऊँगा रफली आइडिया अगर, तो मैं कार की बैटरी भी बना लूँगा उनसे,
100 सेल्स फ्रेंड्स मेरे कितने के आ जाएंगे आप लगाओ, 5000 रुपीज़ के आ जाएंगे। उस पर अच्छा तगड़ा BMS लगा दिया मैंने 200-250 एम्पीयर का, तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस बारे में कमेंट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम इसे बैटरी को बाइक में इंस्टॉल करते हैं। बाइक में इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आप देख सकते हैं ये स्क्रूज़ के लिए लूप बनाए हैं सोल्डर करके, तो वो लूप में मैं स्क्रूज टाइट कर दूँगा सिंपल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने इसके कनेक्शंस कनेक्ट कर दिए, ये मेरे पास ब्लैक था नेगेटिव वाला, ठीक है, तो मैंने इसकी अर्थिंग वाली वायर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और ये हमारी बैटरी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मुझे इवन एक यूट्यूबर ने ये भी बोला था मतलब मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उसने बोला था, फॉरन यूट्यूबर था, उसने कहा था कि लाइफ पो 4 आप यूज़ करिए बैटरी, ठीक है, वो कामयाब होगी, वो ही इतनी पावर दे पाएगी क्योंकि उसका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा होता है, मतलब उसका डिस्चार्ज रेट जो है वो ज़्यादा होता है। डिस्चार्ज रेट भी फ्रेंड्स उसके ऊपर भी आप सर्च करना अगर आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो डिस्चार्ज रेट होता है कि 3C, 5C, 2C, तो कितना ज़्यादा वो मतलब अपनी जैसे 1200 मिली एम्पेयर है तो 1C होगा तो एक सेल 1200 पे ही डिस्चार्ज होगा, अगर 2C होगा तो वो डबल पे डिस्चार्ज होगा, 2400 मिली एम्पेयर पे भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसने बोला था कि उसका डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो वो यूज़ करेंगे तो वो ही कामयाब होगी, तो लिथियम नहीं आप यूज़ कर पाओगे, लिथियम आयन जो ये वाले हैं, बट ये भी फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं। इनका सी रेटिंग तो मुझे नहीं पता क्योंकि उस जो सप्लायर था जो सेलर था उसको इतनी खुद भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो आई थिंक ये 1C भी होंगे, तभी मैंने 1C के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करके बताया कि ये 6000 mAh यानी 6 एम्पीयर की ये बैटरी है हमारे पास। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैंने कनेक्ट कर दिया, बाइक ऑन करते हैं फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं पूरा यहाँ पे ऑडोमीटर आ गया है इसका, ठीक है, न्यूट्रल लाइट आ गई है, अब हम इसको ऑन करके सेल्फ करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये बाइक स्टार्ट होगी फ्रेंड्स हमारी, सेल्फ प्रॉपर इसका लग गया है, ये भी बाइक चौक ले रही है फ्रेंड्स, सर्दियाँ हैं, दोबारा करते हैं फ्रेंड्स दोबारा, तो फ्रेंड्स मुझे सिर्फ सेल्फ के लिए ये बैटरी चाहिए होती है। ये आपको पता है जब ये अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है बाइक का फिर तो ये लाइट्स वगैरह का लोड सब कुछ अपने ऊपर ही ले लेता है, हॉर्न का वगैरह सब चीज़ों का लोड अपने पे ले लेता है, तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं होती है इसकी। ठीक है, तो मैं जैसे एक बारी आपको दिखाता हूँ, हॉर्न भी हमारा बज रहा है, ठीक है, ये इसमें आफ्टर मार्केट है, ये देखिए फ्रेंड्स ठीक है, लाइट भी फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने LED हेडलाइट्स इंस्टॉल करी हुई हैं प्रोजेक्टर वाली, जो इसमें प्रोजेक्टर तो पहले ही आता है, तो आप देख सकते हैं पूरी इसकी लाइट्स भी वर्किंग है। ठीक है, ये लो बीम हाई बीम ये सब वर्किंग है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई इश्यूज नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स अब मैं फाइनली इसे पैक कर दूंगा, पैक करके इसे रैप करके यहाँ पे वाटरप्रूफिंग करके इसको सेट कर दूंगा ताकि ये BMS वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए, पानी वगैरह ना जाए, ठीक है, सेल्स भी करोड ना हो, ये जो कनेक्शन है मेरे ये भी करोड ना हो, ठीक है, इसकी प्रॉपर पैकिंग करके बस मैं इसे अब यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे प्रॉपरली पैक कर दिया बैटरी को, ठीक है, पहले ब्लैक टेप से रोल करा, फिर सेलो टेप से रोल करा, इसके ऊपर भी मैंने ब्लैक टेप लगा दी जो ये चार्जिंग सॉकेट है, वायर्स को कनेक्ट करके फ्रेंड्स, फिर मेरे पास ये स्पॉन्जेस पड़े थे काफ़ी ज़्यादा पैकिंग वाले, तो मैंने उससे पूरा इसका यहाँ पे पैक बना दिया ताकि ये इधर उधर वॉबल ना करे। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी ये फाइनली कंप्लीट हो गई है बैटरी हमारी, तो आई होप फ्रेंड्स ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, बाकी आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोगों के, बाकी मैं इंस्टा ID भी शेयर करता हूँ अपनी, आप मुझे उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी भी नॉलेज इस बैटरी से BMS से रिलेटेड शेयर करेंगे मेरे साथ, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी आपकी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगाओ, थैंक यू।